प्रिय विद्यार्थियों, हम रामचंद्रिका के सुंदर कांड से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित छंदों की व्याख्या पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में जो अंतिम छंद था वो सीता हनुमान संवाद से संबंधित था। सीता हनुमान से पूछती है कि तुम्हें यहाँ किस लिए, यहाँ से आसे लंका से यहाँ किस लिए भेजा गया है। तो हनुमान उत्तर देते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम ने यहाँ अपना संदेश आप तक पहुंचाने के लिए और आपका संदेश लेकर, आपका कुशल संदेश लेकर प्रभु श्री राम तक पहुंचाने के लिए भेजा है। हनुमान जो है निशाने स्वरूप प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई मुद्रिका माता सीता को देते हैं और माता सीता से भी निशानी मांगते हैं, निशाने स्वरूप कुछ वस्तु मांगते हैं जिसका वर्णन इस छंद में है। तो छंद का वाचन करता हूँ मैं। कछु जननी दे परतीति जासो राम चंद्र ही आवई, शुभ शीस की मनि दई यह कही, सुयस तब जग गाई। सब काल वे हो अमर अरु तुम समर जय पद पाही हो, सुत आज तेरा गुनात के तुम परम भक्त कहाइयो। हनुमान माता सीता से कहते हैं, सीता से कहते हैं कि कछु जननी है, कछु यानी कुछ, जननी यानी माता, दे यानी दो, प्रतीति यानी विश्वास, जासो रामचंद्र यहाँ, हे माता आप मुझे निशानी स्वरूप ऐसी कुछ वस्तु दीजिए जिससे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये विश्वास हो जाए कि मैं माता सीता से भेंट करके आया हूँ और सीता जो है वो सकुशल है। हनुमान की इस बात को सुनकर के शुभ शीस की मनी दई, शुभ वैसे मंगल लेकिन यहाँ शुभ सुहाग का प्रतीक भी हो, शीस की मनी, शीस मस्तक की मणि यानी चूड़ा मणि, सीता जी ने जो चूड़ामणि है जिसको अपन शीशपुर भी कह सकते हैं, चूड़ामणि सुहाग के प्रतीक जो चूड़ामणि है, मंगल जो चूड़ामणि है वो उतार करके हनुमान को दी और हनुमान को देते हुए सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि सुयस तव जग गावई, ये जो संसार है तुम्हारा यश गान करेगा, संपूर्ण संसार तुम्हारी यश गाथा का वर्णन करेगा, तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण जगत में चहुं ओर दसों दिशाओं में फैलेगी। सब काल है वे हो अमर, तुम सभी कालों में अमर होगी, अरु यानी और, तुम यानी तुम, समर यानी युद्ध, जय पद पाओ और युद्ध में तुम विजय श्री का वर्ण करोगे, युद्ध में तुम्हें विजयी पद प्राप्त होगा। सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहे, और आज से ही तुम जो है राम के परम भक्त कहाओ जाओगे, आज से तुम्हें राम के परम भक्त की पदवी प्राप्त होगी, राम के भक्तों में तुम्हारा नाम जो है वह शीर्षस्थ होगा, सर्वोच्च शिखर पर होगा, तुमसे प्रिय राम को अन्य कोई भक्त नहीं होगा, तुम ही सबसे प्रिय भक्त होगे राम के। ऐसा आशीर्वाद जो है अपन हनुमान चालीसा उसमें भी देखने को मिलता है जिसमें लिखा गया है कि अस्त दिनों निधि के दाता स्वर्दीन जान के माता राम, हन सीता जी ने अस्त सिद्धियो नव निधि का आशीर्वाद दिया था। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने सीता के माध्यम से हनुमान को आशीर्वाद देते समय इसी तरह के भावों की व्यंजना की है कि आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करऊं बहुत रघुनायक छोऊं। कि राम जी का अत्यधिक प्रिय जान करके माता सीता हनुमान को आशीर्वाद देते कि हे पुत्र तुम जो है बल और सील के भंडार हो, अर्थात तुम अत्यधिक बलशाली और सदाचारी पवित्र आचरण वाले,
अजर अमर गुण निधि तुम, और तुम अजर अमर होगे और गुणों के भंडार होगे। करो बहुत रघुना इच्छु, और प्रभु श्री राम जो है तुमसे अत्यधिक प्रेम करेंगे, अत्यधिक सने रहेंगे। प्रभु श्री राम की जो है कृपा हुआ तुम्हें हमेशा प्राप्त हो होगी। इसमें जो छंद है वो हरि गीति का छंद है, और हरि गीति का छंद एक मात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16-12 पर यति होती है। ब्रज भाषा है और प्रसाद कुंड पांचाली रीति है। हनुमान रावण संवाद की से संबंधित अगला छंद है। हनुमान जो है माता सीता से आज्ञा लेकर के अशोक वाटिका में जो है मधुर फल खाने लगते हैं, और मधुर फलों को खाते हुए वो कपि स्वभाव स्वरूप कपि स्वभाव अनुरूप पेड़ों को उखाड़ते हैं, तो कपि राक्षस दल से उनका जो है युद्ध होता है, और उस युद्ध में वो अक्षय कुमार को मार देते हैं जो रावण का पुत्र था। मेघनाथ आता है और वो हनुमान को ब्रह्म पास में बांध लेता है, और रावण के समक्ष हनुमान को उपस्थित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो हनुमान और रावण में जो वार्तालाप होता है उसका इस छंद में वर्णन है। छंद देखिए आप, कि रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जूको। कौन रघुनंदन रे, तृषा खर दूषण दूषण भूषण भूको। सागर कैसे तरयु जैसे गोपद, काज कहा सिए चोरें देखो। कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी दुई, यहाँ दुई है छुई है वास्तव में, छुई द्रग शोभत पातक ले। तो जब हनुमान को रावण के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो हनुमान जो है रावण जो है हनुमान से प्रश्न पूछता है कि रे कपि कौन तू। रावण त्रिलोक विजेता था, उसको इस बात का अभिमान था कि उसने देवलोक पर भी विजय प्राप्त की है, और देवता तो उसके यहाँ बंदी है। तो वो कूटनीति का भी प्रयोग करता है, और दुश्मन या शत्रु के जो दूत है उसके प्रति तिरस्कार का भाव रखता है ताकि उसका जो विश्वास है आत्मविश्वास है वो गिर जाए, डगमगा जाए। तो बड़े तिरस्कार भाव स्वरूप वो अभिमान से युक्त होकर के प्रश्न करता है कि रे कपि कौन तू, हे बंदर तू कौन है। हनुमान रावण की उस कथन को सुनकर के विचलित नहीं होते हैं, और बड़े आत्मविश्वास के साथ वो रावण को उसी भाषा में जवाब देते हैं, उसी शैली में जवाब देते हैं कि अच्छ को घातक, कि मैं अक्षय कुमार का घातक, मैंने ही तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। जिसको मारा है उसका उसके मारने की सूचना जो है हनुमान खुद उसके पिता को दे रहे हैं। हनुमान की निर्भीकता यहाँ पर देखी जा सकती है, निडरता साहस उनका बल पराक्रम तो है। दूत बलि रघुनंदन जी, और हनुमान एक अच्छे सेवक थे और उनकी अपने प्रभु श्री राम के प्रति दृढ़ स्वामी भक्ति थी, तो वो अपनी पहचान जो है वो अपने स्वामी से मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि दूत बलि रघुनंदन जी को, मैं जो हूँ बलशाली परम प्रतापी पराक्रमी प्रभु श्री राम का दूत हूँ। को रघुनंदन, रावण उसी दम्भपूर्ण लहजे में फिर प्रश्न पूछता कि को रघुनंदन रे, कौन रघुनाथ कौन राम। तो हनुमान श्री राम के बल का परिचय करवाते हुए देते हैं बताते हैं, हनुमान उत्तर देते हैं कि त्रिसरा खरदूषण दूषण, राम वही बल परम प्रतापी पराक्रमी
हैं जिन्होंने तुम्हारे तीसरा खर दूषण जैसे वीर राक्षसों का दूषण यानी दलन मर्दन किया है, वध किया है, उनको मारा है। यहाँ दूषण शब्द में यमक अलंकार है, एक दूषण दूषण राक्षस के नाम के लिए आया है और दूसरा दूषण का जो क्रिया है दलन करना मर्दन करना मारना। भूषण भूको और जो इस समस्त सृष्टि के आभूषण है, इस समस्त सृष्टि के अलंकरण है, इस समस्त सृष्टि की जो शोभा है, यहाँ राम को हनुमान जो है समस्त धरती लोक के भूलोक के स्वामी के रूप में, और ये मान यह मानो ये कहना चाहते हो कि राम वो है जो इस समस्त सृष्टि के क्या है स्वामी है। और इस रूप में वो उनके ईश्वरीय अंश की भी व्यंजना करते हैं, उनको समस्त सृष्टि के संचालक के रूप में बताते हैं। सा ये बताना चाहते हैं कि तुम इस भूलोक के राजा नहीं हो, राम वास्तव में इस भूलोक के राजा है। तो सागर कैसे तरियो, तुमने सागर को कैसे पार किया। रावण जो है हनुमान से प्रश्न पूछता है कि तुमने सागर को कैसे पार किया, इतने विशाल सागर को। रावण को इस बात का भ्रम था कि राम जैसे साधारण जो पुरुष है वो इतने विशाल सागर को पार करके लंका तक नहीं पहुंच सकते। जब उनका दूत वो वानर पहुंचता है, हनुमान पहुंचता है, तो वो कैसे सागर कैसे तरियो। तो हनुमान उत्तर देते हैं जैसे गोपुत। यहाँ हनुमान के उत्तर में बड़ी वो है, भागपट होता है कि एक तो वो रावण को ये बताना चाहते हैं कि सागर जो है उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, और जब राम का दूत इतने विशाल सागर को पार कर सकता है तो प्रभु श्री राम के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए बल अपने बल का और पराक्रम का भी परिचय इस उत्तर में देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे गोपर, मैंने इस विशाल सागर को इस तरह से बड़ी आसानी से पार कर लिया जैसे कोई गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा हो, उसको बड़ी आसानी से पार कर लिया जाता, वो कोई बाधा नहीं होती है बाधा में, उसी तरह मैंने बड़ी आसानी से सागर को पार कर लिया। और काज कहा, रावण हनुमान से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ आने का काम क्या है, प्रयोजन क्या है, किस कारण से आए हो, किस काम से आए हो। तो हनुमान के उत्तर में बड़ी व्यंजना है और वो आक्षेप सा रावण पर लगा रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि सीए चोर ही देखो, मैं यहाँ सीता जी के चोर को देखने के लिए आया, सीता जी के चोर का पता लगाने के। मानो वो अपने सम्मुख प्रत्यय जो रावण है उस पर ही सीता जी के चोर होने का जो है आक्षेप लगा रहे। तो सीता जी सॉरी हनुमान का उत्तर बड़ा वाक्पटुता पूर्ण है, कैसे बंधायो और तुम इस ब्रह्म पास में कैसे बंध गए। तो हनुमान उत्तर देते हैं कि जो सुंदरी तेरी छुई दृग, कि मैंने तुम्हारी सुंदर स्त्री को, तुम्हारी स्त्री को आँखों से सोवत यानी सोते पातक यानी पाप देखो, मैंने तुम्हारी स्त्री को सीता जी की खोज करते समय महलों में सोते हुए देख लिया था, और पर स्त्री को सोते हुए देखने के कारण देखने के पाप के फल स्वरूप ही मुझे इस ब्रह्म पास में बंधना पड़ा। तो इस उत्तर में ये बहुत बड़ी एक मौलिक कल्पना है केशव दास की। इस उत्तर के माध्यम से रावण को हनुमान ये कहना चाहते हैं कि जब पर स्त्री को देखने के पाप के फल स्वरूप मुझे इस ब्रह्म पास में बनना पड़ा है, तुम तो पर स्त्री के अपरता हो, तुम्हें इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, इस पर कुछ विचार किया है तुमने। तो यह जो छंद है वो केशव दास की संवाद योजना का एक सुंदर उदाहरण है, और ये जो संवाद छंद है चरित्रोद्घाटक संवाद से संबंधित है। इसमें इस संवाद में हनुमान और रावण के संवाद से इसमें जिन पात्रों का वर्णन हुआ है उनके
चारित्रिक विशेषताओं का बोध होता है, पता लगता है। जैसे अगर राम की बात करें तो इसमें आया है कि राम का चरित्र इस छंद के अनुसार है कि वो बड़े वीर, प्रतापी और पराक्रमी है और ईश्वरीय हंस होने या सृष्टि के संचालक होने की बात भी इसमें कही गई है। हनुमान की बात करें तो हनुमान एक अच्छे सेवक है जिनकी प्रभु श्री राम के प्रति स्वामी भक्ति है, दृढ़ स्वामी भक्ति है। इसके अलावा हनुमान बड़े बलशाली हैं, इसका भी इसमें पता चलता है। गोपद की तरह सागर को पार किया, अच्छे को गाता, साहसी होने का, निडर होने का इसे पता चलता। और हनुमान में वाक्पटुता थी, ये अंतिम दो पंक्तियों से झलकता है। और आत्मविश्वास हनुमान का बहुत उच्च था, इस बात का भी इस चारित्रिक विशेषता क्या कि वो आत्मविश्वासी थे इस छंद से पता चलता। रावण के बारे में अगर रावण की चारित्रिक विशेषताओं को अपन इस छंद के माध्यम से देखें तो रावण दम्भी था, अभिमानी था, दुराचारी था और परिस्त्री के प्रति उसके कुत्सित विचार थे और चोर कर्म कर चोर जैसा नीच कर्म करने का भी उस पर आक्षेप है। ये भी उसके चारित्रिक विशेषताओं में संलग्न हो जाता है। तो ये चरित्रोद्घाटक संवाद है और रामचंद्रिका की संवाद योजना में जो उसकी सबसे बड़ी सफलता है, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। छंद इसमें सवैया, विजय सवैया और भाषा ब्रज है, प्रश्नोत्तर शैली है, अनुप्रास अलंकार है, दूषण दूषण में यमक अलंकार है और सिये चोरे देखो में आक्षेप अलंकार है। अब आगे लंका कांड को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।